इसलिए असर की नमाज है, फिर मगरिब है। मगरिब के अंदर आप देखते हैं कि पहले मगरिब की तरफ सुर्खी आती है, जब यह सुर्खी खत्म हो जाए तो बाद आइम्मा कहते हैं इसके बाद ईशा का टाइम शुरू हो जाता है। और बाद सहाबा कराम ये कहते हैं सुर्खी के बाद सफेदी आती है मगरिब की तरफ उफक में, ये सफेदी कुछ देर रहती है, बाद में यह सफेदी खत्म हो जाती है, अब कामिल अंधेरा छा जाता है। फरमाया अब ईशा का टाइम हुआ, कभी सवा घंटा बन जाता है, कभी एक घंटा दस मिनट बनते हैं, कभी एक घंटा बीस मिनट बन जाते हैं। तो इसलिए ये मगरिब की नमाज का टाइम है। आला टाइम तो यही है कि मगरिब सूर्य गुरूब होने के बाद पढ़ ली जाए, सफर में है तो घंटा सवा घंटा तक इसे इजाजत है, इस मौके पर जब चाहे नमाज पढ़ ले। अब जब कामिल अंधेरा छा जाएगा उफुक में सुर्खी के बाद, फिर सफेदी आएगी, जब सफेदी गायब हो जाए अब कामिल अंधेरा आया, इसे कहते हैं गसकिल लैल, रात का कामिल अंधेरा आया, अब ईशा की नमाज का टाइम शुरू। ये ईशा की नमाज है, इसके अंदर फरमाया ईशा की नमाज पढ़े।